स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए रुक करेंगे स्पीड न्यूज की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बीकानेर की खाजूवाला से बड़ी खबर आ रही है। खाजूवाला बंद से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। पिछले 5 दिन से खाजूवाला बंद है। खाजूवाला को अनूपगढ़ में शामिल नहीं करने को लेकर अब मुख्यमंत्री से मुलाकात। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल को कल शाम 6 बजे का सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात का समय दे दिया है। मंत्री मेघवाल ने कहा, हम पुरजोर तरीके से रखेंगे सीएम के समक्ष अपना अनुरोध। 1000 कार्यकर्ताओं से जयपुर चलने का आह्वान भी किया गया है। खाजूवाला को अनूपगढ़ में शामिल नहीं करने का अनुरोध किया गया है। खाजूवाला ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर लाल गोदारा, सरपंच एसोसिएशन खाजूवाला के अध्यक्ष खलील खान पड़िहार, पुगल सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष बरकत अली पड़िहार, साथ ही साथ पीसीसी सचिव मकबूल बलोच, माधो डिग्गी और छतरगढ़ सरपंच और नेता सद्दाम हुसैन भाटी भी जयपुर में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, देखिए हालांकि मुलाकात का समय तो अब मिल गया, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि पहले आप वो पहलू बताएं कि जो संघर्ष समिति है उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि उजाड़ने का काम खाजूवालों को किया गया है। देखिए शिखा, दरअसल ये मान के चलिएगा कि जिस तरह से हालात बने, 5 दिन से खाजूवाला बंद है, बाजार बंद है, बीच में दवाइयों दुकानें बंद थी, तो इसका मतलब जन आंदोलन बन गया था। ये लोग खफा थे, उनको लगता था बिल्कुल तर्कसंगत और अव्यवहारिक है। ऐसे में निश्चित तौर पर देखिए, विधायक जो है गोविंद मेघवाल, उन पर भी कहीं ना कहीं जनता का दबाव आया, अपने नेताओं का दबाव आया, इसलिए वो भी सक्रिय हुए। कल जो है उन्होंने गोविंद डोटासरा, रंधावा, इनसे मुलाकात की, अपनी बात रखी, और ऐसे में आज उन्हें लगा कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचानी है, तो मुख्यमंत्री से समय लिया गया। कल का उन्हें समय मुकर्रर किया गया है। अब इसमें क्या होता है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप मान के चलिए कैबिनेट मंत्री को जब एक समय लेना पड़े मुख्यमंत्री से, और इतना ही नहीं 1000 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, यानी एक संदेश छोड़ने की कोशिश भी गोविंद मेघवाल कर रहे हैं कि इस मसले पर वे जनता के साथ हैं। लेकिन देखिए, एक सवाल उठता है कि आखिर पहले क्यों नहीं इसका आकलन किया गया? क्या गोविंद मेघवाल अंदाजा नहीं लगा पाए कि जनता में इतना आक्रोश हो जाएगा? उनका कहना यह है कि अब खाजूवाला को जिला बनाने की मांग रखेंगे, और ये मांग तो कम से कम रखेंगे ही, खाजूवाला को अनूपगढ़ में शामिल ना किया जाए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि संघर्ष समिति का भी यही कहना है, अनूपगढ़ जिला बने इससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाजूवाला को बीकानेर में ही रहने दिया जाए। छत्तीसगढ़ और खाजूवाला को, आज छत्तीसगढ़ भी बंद रहा है, यानी दो कस्बे बंद हो गए। एक तरफ कांग्रेस नए जिलों से माइलेज लेना चाह रही थी, वहीं यहाँ उल्टा पड़ गया है। जनता सड़कों पर है, संघर्ष कर रही है। तो मुझे लगता है गोविंद मेघवाल ने देर आए दुरुस्त आए की जो अपना निभाया है, लेकिन अब मुझे लगता है अगर वो ऐसा करवा पाने में कामयाब रहे, मुख्यमंत्री से मिलाने के बाद क्या रहता है, तो मुझे लगता है उसका फिर अलग तरह का असर होगा। बिल्कुल लक्ष्मण, और राहत की बात यही है कि वार्ता का रास्ता निकला है, क्योंकि कई दिनों से जिस तरह से व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है, मंडी भी बंद है, उस दौरान ये राहत की खबर आती है। बहुत शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी। चलिए रुक कर